सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ये हमने कल किया था, थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं, एक स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो खत्म होना चाहिए। देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि बिजनेस एक्टिविटी में दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक तो एक्टिविटी होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स। तो रही बात कॉमर्स की, तो उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज ही की क्लास में स्टार्ट होगा, पहले हम इंडस्ट्री को समझते हैं। देखिए इंडस्ट्री का अगर आप ये देखें यहाँ पे ये वाला डायग्राम, तो इंडस्ट्री तीन एक्टिविटी से बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये दिमाग में बिठा लीजिए। फिर से इंडस्ट्री जो है तीन तरह की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री है क्या। देखिए स्टूडेंट प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका काम क्या होता है, अगर आप देखेंगे एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग द नेचुरल रिसोर्सेस, इसका बेसिक काम होता है जितना भी हमें नेचर से चीजें प्राप्त हो रही हैं उसमें एंगेज होना, मतलब उसी में लगी रहती है, उसको एक्सट्रैक्ट करती है, उसकी मदद से प्रोडक्शन करती है और ये सब चीजों से सामान निकालती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का यही काम। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अगर आप देखेंगे ना, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे अगर ये चार्ट से समझें तो इसके दो काम है, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। ठीक है, क्या है, एक एक्सट्रैक्टिव है और एक जेनेटिक है। अगर हम एक्सट्रैक्टिव की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को, जो अर्थ से या समुद्र से जो भी चीजें सीधा सीधा मिल जाए रॉ फॉर्म में, उसको ले लेती है। जैसे अगर मछली है तो मछली को सीधा सीधा समुद्र में से निकालती है और इस्तेमाल करती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कोयला है, तो कोयला को सीधा सीधा रॉ मटेरियल, इसको डायरेक्टली जो है कंज्यूम किया जाता है, कोयला लिया सीधा इसका इस्तेमाल कर दिया, इसमें कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है, कोयले का सीधा इस्तेमाल हो जाता है, बस इसको हथौड़े से तोड़ ताड़ के और कंफर्टेबल बना देते हैं, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं उनको तोड़ के इस तरह से बना दिया जाता है। क्या इसमें हमने कुछ किया, नहीं किया, क्या इसमें हमने कुछ प्रोसेसिंग की, नहीं की, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या करती है, नेचर में जो हमें पहले ही भगवान ने दिया है, जो हमारे पृथ्वी पे अवेलेबल है, चाहे वो पानी में कह लो चाहे जमीन के नीचे कह लो, उसको सीधा सीधा निकाला जाता है और निकालने के बाद उसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन एक जेनेटिक इंडस्ट्री भी होती है, ये भी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। इसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा, रॉ में जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ है ना, उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट लाते हैं जिससे कि और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जैसे कि मछली, जैसे आप देखो प्लांट नर्सरी, पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म में क्या करते हैं हम, बहुत सारी मुर्गियां मुर्गे रख लेते हैं और उससे हम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्लाइमेट लाते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुर्गी और बढ़े। ठीक है, उनके अंडों को ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां पैदा हो। पता ही होगा आपको कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर अंडे को रखा जाए तो उसके अंदर से मुर्गी निकलेगी, मुर्गा नहीं निकलेगा। ठीक है, ये अत्याचार है जेंट्स के ऊपर, तो मुर्गी निकलेगी उसमें से। देखो यहाँ इस फील्ड में जो है फीमेल की कितनी वैल्यू है, तो पोल्ट्री फॉर्म के अंदर बहुत वैल्यू है फीमेल की, बहुत इज्जत से देखा जाता है उनको। ठीक है, और मुर्गों को तो बस हलाल करने के लिए भाई ये अपना काट पीट के खा लिया उनको, तो ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो हमने उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसके अंदर हमने उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का मौका दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, ये वाला सबको क्लियर हो गया बेटा। प्राइमरी में दो आते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अगर प्राइमरी इंडस्ट्री का मेन काम देखें तो नेचर से मिला हुआ चीज का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम जो जमीन से मिलता है या पानी से मिलता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे सीधा सीधा मछली निकल गई समुद्र से, और जैसे सीधा सीधा गोल्ड निकल गया समुद्र से, उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक चीजों का। जेनेटिक मतलब हम उसमें कुछ ऐसा यूज करते हैं जिससे कि हम उनका प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ये बताइए। यस सर, यस सर। अब हम आते हैं बेटा सेकेंडरी सर इंडस्ट्री की तरफ। हाँ बोलो। सर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमें जैसा रॉ मटेरियल मिलता है हम उसको वैसे का वैसे यूज कर लेते हैं। सर वो जो बिल्कुल पेट्रोलियम होता है उसको तो हम वो करते हैं, पहले उसको प्योरीफाई करते हैं फिर उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसमें देखो हम सीधा सीधा यूज तो नहीं करते ना बेटा, या करते हैं ये बताइए। सीधा सीधा यूज नहीं करते। तो इसीलिए वो प्राइमरी में नहीं आता,
वो किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। अगर आप ध्यान दो तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी, मैंने आपको याद होगा कल भी बताया था, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर पहले से ही मिली हुई चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि सर जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको हम कन्वर्ट करके पेट्रोल डीजल केरोसिन बनाते हैं, तो वो प्राइमरी में तो आ नहीं सकता, प्राइमरी में तो खाली क्रूड ऑयल आएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? यस सर। तो प्राइमरी में क्रूड ऑयल आता है, हम उसको कन्वर्ट नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलना। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सीधा सीधा नेचर से मिली हुई चीजों का इस्तेमाल करती है, जैसे मछली पकड़ लिया उसको खा पी लिया मुर्ग, और जेनेटिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज करते हैं और उससे प्रोडक्शन करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा, और सेकेंडरी इंडस्ट्री वो, हाँ मछली का तेल भी तो निकालते हैं लोग। बिल्कुल सही। अच्छा मछली का तेल, हाँ मछली का तेल निकालते हैं, लेकिन उसको, हाँ तो मतलब एक्चुअली क्या है, डायरेक्टली तो नहीं निकालते ना, मतलब ये तो नेचर से मिला हुआ होता है, उसको हम सीधा सीधा यूज कर लेते हैं मछली को खाने पीने में। ओके सर। अगर हम उसमें, देखो सुनो, अगर हम रॉ, देखो मैं इसको यहां समझाता हूं, ये वाला डायग्राम देखना जरा ध्यान से, ये क्या है बेटा, अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, देखो ये क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। इसमें हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो, क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। यस सर। यस। तो अगर हम खाली क्रूड ऑयल, अगर हम खाली क्रूड ऑयल निकालते हैं तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, क्योंकि हमने नेचर से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो है एक्सट्रैक्टिंग है, एक्सट्रैक्टिंग का काम हो रहा है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस क्रूड ऑयल को बहुत सारा कन्वर्जन करते हैं, जैसे पेट्रोल केरोसिन डीजल, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। दरअसल सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम ही यही है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, और प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है खाली एक्सट्रैक्टिव करना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, बस उसमें हम कुछ बदलाव नहीं करते। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम बदलाव करते हैं। आप यहाँ देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री दे आर कंसर्न्ड विद द मटेरियल, अभी स्क्रीन पे आएगा आपकी, हाँ दे आर कंसर्न्ड विद द मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। कह रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पहले से ही बनी हुई चीजों के ऊपर काम किया जाता है। प्राइमरी स्टेज पे पहले क्रूड ऑयल निकल चुका है, उसको हम लोग आगे यूज करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो, मतलब जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, उसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कन्वर्ट कर देती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसका काम क्या होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड्स बनाना, जैसे कॉटन का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल बनाना, लकड़ी का इस्तेमाल करके चेयर बनाना, ये काम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके सीमेंट बना देना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई तरह की इंडस्ट्री आती है। देखो ये डायग्राम से, यहाँ से देखो, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये देखो, ये रही, ये देखिए अब स्क्रीन पे आपको दिखा, ये रही हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे चार तरह की इंडस्ट्री आती है जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पहली एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिक, तीसरी प्रोसेसिंग, चौथी असेंबलिंग। अब आप कहेंगे कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो पहले से प्राइमरी इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हुए सामान को इस्तेमाल करके और हम कुछ नया यूजफुल गुड्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम चार कैटेगरी में लाते हैं, पहला है एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिक, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है असेंबलिंग। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखिए कैसे होगा ये, ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री की। किसमें आता है बेटा, कौन बता रहा है? ये आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ ना मैंने, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री है जो क्रूड ऑयल से मिले हुए सामान को एनालिटिकल फॉर्म में, मतलब प्रोसेसिंग करके
रिफाइनरी के थ्रू हम इसको नए गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। आ गया समझ में? यस सर। दूसरा आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में हमारे पास ना कुछ नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट होते हैं। याद रखना ये हमारा किसमें मिला था, प्राइमरी में मिला होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर लाइमस्टोन मिला होगा, जिप्सम मिला होगा, फ्लाई ऐश मिला होगा, स्लैग मिला होगा, इन सबको मिला के और हम क्या बना देते हैं, सीमेंट बना देते हैं। तो इसको हम प्रोसेसिंग नहीं करते, इन सबको मिला देते हैं और फॉर्मूला लग जाता है और ऑटोमेटिक सीमेंट बन जाता है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक नया चीज बन जाता है और वो बहुत ही अलग चीज होता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कल एक बच्चे ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एल्यूमिनियम किस में आता है, क्या एल्यूमिनियम सिंथेटिक में आएगा? तो बेटा एल्यूमिनियम जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएगा। इसमें पहले ये समझ लेते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। पहले नंबर पे आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करके यूजफुल गुड्स बना देती है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। फिर हमने दूसरा पढ़ा सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिला देती है, मिक्स कर देती है और उससे एक नया सामान बन जाता है, जैसे कि सीमेंट, मतलब ठीक है, जैसे कि ये सीमेंट बन जाता है। फिर आ जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा सामान नहीं मिलाया जाता है, प्रोसेसिंग के अंदर एक ही आइटम होता है। जैसे कि अगर हमें कागज बनाना है तो हमने जंगल में से लकड़ी काटी, लकड़ी को प्रोसेसिंग किया, अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करते 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 लास्ट में कागज बनता है। तो हम बहुत सारे स्टेजेस से उसको गुजारते हैं पेपर बनाने के लिए और धीरे 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 उसको रिसाइकिलिंग करते हुए हम लास्ट में क्या करते हैं, बेसिकली हम उसको कागज बना देते हैं। इसी तरह से चीनी बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुगर केन लेते हैं, उसको मिल में ले जाते हैं, वहां पे हमारे पास बहुत सारा जो है केमिकल होता है, उस केमिकल से हम उसको सफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका जो है दाने दाने में वो पहले उसको उसका लिक्विड निकाल लेते हैं, चीनी का मतलब उसका शुगर केन का। उसके बाद उसको उबालते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम केमिकल मिलाते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करके अलग कर देते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग जो है हड्डियों का चूरमा यूज करके उसको सफाई करते हैं प्रोसेसिंग करके। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो एल्यूमिनियम का भी प्रोसेसिंग होता है, मैंने बाद में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन से इंडस्ट्री में आ जाएगा बेटा, किसने कल पूछा था एल्यूमिनियम वाला, एक बार अनम्यूट करके नाम बताना। हाँ तो बेटा आप समझ में आ गया, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। आपने कल बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर मतलब कैसे पता चलेगा कि सिंथेटिक है कि प्रोसेसिंग। जब भी बहुत सारे आइटम मिला के एक आइटम बनता होगा तो सिंथेटिक है, और एक ही आइटम से प्रोसेसिंग करके नया आइटम बना देते हैं तो क्या बन जाएगा, जो है क्या बन जाएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इज इट क्लियर सर? इसमें केमिकल्स को काउंट नहीं करते जैसे हम इनमें केमिकल्स भी मिलाते हैं? नहीं, इसमें बस आप ये ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टेजेस से बनता है, जब बहुत सारे सक्सेसिव स्टेजेस का इस्तेमाल होता है और तब जाके कोई नया आइटम बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है? यस सर। अच्छा ये बताओ गुड़ कैसे बनता है? गुड़ किसी बच्चे को पता हो, गांव में कोई बच्चे ने देखा हो बनाते हुए? शुगर केन से। नहीं मतलब किसी बच्चे ने देखा है तो हैंड रेज करो जरा, देखूं मैं भी आइडिया लूं कैसे बनता है। हाँ जी कोई है बच्चा? एक भी बच्चा नहीं है, हैरानी की बात है यार, गांव में गांव वाले बच्चे नहीं है क्या? हाँ बेटा किसी ने गुड़ देखा है बनते हुए? हाँ एक बच्चा मिल गया, चलो ठीक है। नाम बताओ बेटा, क्या है, किसने देखा है खाली? हाँ नाम बताइए, बनते हुए नहीं देखा है या देखा है बताइए, जिसने बनते हुए देखा वो बताए। नहीं देखा है। किसने देखा है? दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, कौन है, अनम्यूट करके बताइए। तनीषा और एक और बच्चा है, दूसरा बच्चा कौन है तनीषा के अलावा? सर बनते हुए नहीं देखा, बनते हुए। चलो तो मैं बता देता हूँ मैंने देखा है। देखो सबसे पहले क्या जूस निकालते हैं। हाँ ये तो है, मतलब ठीक है, उसके बाद सर उसे कोल्हू में डालते हैं। पता तो है तुम लोगों को, फिर बोल रहे हो बनते हुए नहीं देखा। उसके बाद उसे छोड़ दे देते हैं ठंडा होने के बाद। इतना ही तो मैंने भी देखा है, इससे ज्यादा तो होता नहीं है मेरे ख्याल से कुछ।
सबसे पहले उसको गन्ने को ले आते हैं, ले आके उसको मशीन में उसको जो है उसका जूस निकाल देते हैं। पहले बैल की मदद से निकालते थे, वो होता था कोल्हू का बैल, सुना है ना? तब मैंने देखा था छोटे में, गांव में देखा मैंने, बड़ा होने के बाद तो नहीं देखा मैंने, शहर में ही रह जाते हैं फिर एंड टाइम पे जाते ही नहीं है देखने के लिए। तो उसको मशीन के थ्रू उसका रस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं बहुत देर तक, उबालने के बाद उसकी इम्प्यूरिटी बाहर आ जाती है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में उसको बहुत कंटिन्यू देर तक उबालते हैं, तो उसका जो इम्प्यूरिटी होती है ना उसमें कुछ केमिकल भी होता है वो डाल देते हैं, तो उसकी इम्प्यूरिटी निकल जाती है, और उसके बाद उसको फिर ठंडा होने देते हैं और हाथ से उसको जैसे भी गोल मटोल करना है कर सकते हो। बन गया गुड़, आ गया समझ में? कौन सी इंडस्ट्री में आएगा? प्रोसेसिंग में है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री। हाँ सेकेंडरी में, ये बच्चा बड़ा समझदार है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेचर से हमें मिल गया जूस, वो गन्ना, और उसको हम लोगों ने प्रोसेसिंग करके और गन्ना वो गुड़ बना दिया, तो ये प्रोसेसिंग में आएगा क्योंकि सक्सेसिव स्टेजेस था मैन्युफैक्चर करने का। क्या इसको हम सिंथेटिक इंडस्ट्री में गिन सकते थे? आंसर है नहीं, क्योंकि सिंथेटिक में वो आता है जिसके अंदर हम बहुत सारे जो है मिला देते हैं सामान और उससे एक मतलब अलग ही चीज बन जाती है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, तो प्रोसेसिंग मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया। अब आ जाता है बेटा असेंबलिंग इंडस्ट्री। देखो असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे चीजों को असेंबल करके एक नया चीज बनाया जाता है। जैसे कार बनते हुए देखा है आपने, डिस्कवरी पे देखा होगा कार बनते हुए, अच्छा चलो ठीक है, मोबाइल बनते हुए देखा है, और इससे बढ़िया एग्जाम्पल है कंप्यूटर का असेंबलिंग कराया होगा। कई बच्चे नेहरू प्लेस गए होंगे कंप्यूटर खरीदने के लिए, कितने बच्चे गए हैं, कितने बच्चे असेंबल करा के लाए हैं घर पे कंप्यूटर, क्योंकि असेंबलिंग का कंप्यूटर काफी अच्छा माना जाता है आपको अपने हिसाब से। ठीक है, हर काम तनिषा ने किया, दूसरे बच्चे मतलब कुछ करते नहीं लग रहा है, हर समय तनिषा का हैंड रेज हो रहा है, पता नहीं क्यों। और भी बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, और देखते हैं कौन है। ठीक है हर्ष है, हर्ष चलो बेटा हर्ष बताओ। हाँ हर्ष। यस सर। असेंबलिंग कंप्यूटर का कराया आपने? यस सर। वो क्या हुआ था बताइए डिटेल में। सर उसमें पहले तो कैबिन लिया था कंप्यूटर के लिए। हाँ। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह लिए थे, जो जो चाहिए थे। तो आपसे उन्होंने पूछा होगा ना कौन कौन से पार्ट लगाना चाहते हो, है ना? तो उन्होंने पूछा होगा कि स्क्रीन कौन सा लोगे, तो आपने कौन सा सेलेक्ट किया? सर मैंने तो एसुस का मॉनिटर ले रखा है। उसके अलावा वो भी पूछा होगा ना आपको, कैबिनेट बॉक्स, कैबिनेट बॉक्स, उसके बाद कैबिनेट, चिप है राइजन 7 और ये ग्राफिक कार्ड लगवाया है, एसएसडी और ये चिप वगैरह और एसएसडी। ठीक है, तो कुल मिला के आपने असेंबल कराया बेटा। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बहुत सारी चीजों को मिला के बनाती है। जैसे जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें एक एलईडी जो हमें मॉनिटर चाहिए होता है, तो हमसे पूछा जाता है आप कौन सा मॉनिटर लोगे। जैसे मान लो मैं हूँ तो मैंने एलजी वाला मॉनिटर लिया, तो अब आप भी आपसे पूछेंगे, आप जो बताओगे वो लोग लगा देते हैं। उसके बाद बोलेंगे कैबिनेट बॉक्स कौन सी कंपनी का लेना है, ठीक है, उसके बाद मदरबोर्ड कौन सा लेना है, कोई बच्चा इंटेल का लेता है, कोई दूसरा लेता है, फिर आपसे बोलेंगे आप जो है कीबोर्ड कौन सा ले लेंगे, टीवीएस वाला लेंगे, या फिर आप अलग अलग बहुत सारे आजकल आते हैं जैसे सीटेक का मिल जाता है, बहुत सारी कीबोर्ड्स मिलेंगी, माउस कौन सी कंपनी का लेंगे, सबको मिला के। और एक कैबिन होता है वहां आप जाओगे ना तो सबको पैक करके दे देते हैं, और उसमें एक एक्सपर्ट होता है वो फटाफट फटाफट आपके सामने ही सब कुछ जोड़ देगा और कंप्यूटर रेडी करके आपको पकड़ा देगा, बोलेगा ये लो कंप्यूटर। कभी अगर आप टीवी अपना ओपन करोगे ना, ठीक है, कलाकारी करने के लिए, तो टीवी में देख लेना स्पीकर किसी और कंपनी का होगा, ठीक है, और मतलब हर एक चीज स्क्रीन किसी और कंपनी का होगा, मतलब आप हैरान रह जाओगे, बोलोगे यार ऊपर तो किसी और ही कंपनी का टैग लगा हुआ है और अंदर पता चला बहुत सारी कंपनियों का वो मिल जाएगा आपको। तो इसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट के पार्ट्स जो हैं मिला के एक नया पार्ट बनाया जाता है। और आ गया होगा समझ में सबको सर? सर दूसरी कंपनियां क्लेम नहीं करती कि तुमने हमारा प्रोडक्ट क्यों लगाया अपने में? नहीं, वो तो खुश होती हैं क्योंकि उनका कंप्लीट पैकेज नहीं है ना। जैसे आप
HCL का कंप्यूटर है, तो HCL के कंप्यूटर के अंदर आप देखो सामने HCL लिख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। अंदर उसका अगर अंदर देखेंगे तो चिप जो है मदरबोर्ड इंटेल का मिलेगा आपको, ठीक है, और मतलब बहुत सारे आइटम अलग अलग, स्पीकर आपको सोनी का मिल जाएगा, कैमरा आपको सोनी का मिल जाएगा, तो हर चीज का हर एक कंपनी से लेके और वो असेंबल कर और नाम अपना दे देते, ठीक है सर। सर एक बार एनालिटिकल इंडस्ट्री दोबारा समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे। एनालिटिकल इंडस्ट्री देखो वो इंडस्ट्री होती है जो हमें नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट को सेपरेट करती है और बहुत सारा एक ही आइटम से बहुत सारा आइटम बना देती है। ध्यान रखना, एक आइटम से बहुत सारा आइटम, जैसे क्रूड ऑयल की मदद से बहुत सारा यूजफुल गुड्स बनाती है, गैसोलीन, डीजल, फ्यूल, लिक्विफाइड एलपीजी, रिफाइनरी फ्यूल, ये सब चीज। तो आपने नोट किया, एक क्रूड ऑयल से बहुत सारा आइटम बना दिया, इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। जब कोई एक ही नेचर से मिला हुआ एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारा आइटम बनने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री। हाँ जी बिल्कुल सही। और सिंथेटिक इंडस्ट्री में जब बहुत सारे हम लोग इंग्रेडिएंट्स को मिला के कंबाइन करके और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी इंडस्ट्री? सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसी तरह से बेटा जब हम कोई भी एक रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके अलग अलग स्टेजेस से गुजारते हैं और उससे एक नया आइटम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और असेंबली इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर बहुत सारा इन कंपोनेंट्स के जोड़ के और नया चीज बनता है। जैसे साइकिल है, साइकिल में लोहा इस्तेमाल होता है, रबर इस्तेमाल होता है, उसमें घंटी बजाने के लिए अलग से लगा देते हैं, ब्रेक अलग से लगा देते हैं, रबर का होता है, तो इन सब चीजों को मिला के एक नई चीज बनती है तो उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। आई होप एग्जांपल में फोन भी ऐसे होता है, मोबाइल फोन। और क्या, मोबाइल फोन तो ऐसे ही होते हैं। आप देखो ना, आप देखो आईफोन आप लेते हो तो आईफोन के अंदर आपको क्या लग रहा है? सैमसंग का कैमरा नहीं लगा हुआ है? आईफोन के अंदर सैमसंग का कैमरा लगा हुआ है, जो सेंसर वाली टेक्नोलॉजी है वो सैमसंग की है। आप देखते हो ना जब हम कान पे लगाते हैं, कान के पास ले जाते हैं तो उसकी लाइट बंद हो जाती है फोन की, होता है ना ऐसे सेंसर्स? यस सर। ये सब यस सर, ये सैमसंग की टेक्नोलॉजी है। कैमरा सैमसंग का जो अंदर का जो उसका वो लेते हैं ना, मतलब आप बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरी कंपनियों का दूसरी कंपनी यूज करती है, स्पीकर दूसरी कंपनी का यूज होता है, कई मोबाइल फोन में स्पीकर सोनी का यूज होता है, ठीक है सर। सीरी भी क्या सर? जैसे जो सीरी है वो सैमसंग ने इन्वेंट करी थी पर एप्पल ने उसे खरीद ली थी। बिल्कुल, उसको बोल दिया भाई काम कर, कितना करोड़ लेगा, ले ले और मेरे को दे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब मेरे को एक मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि सैमसंग ने मतलब कैमरा निकाला फोन में और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, तो उसने क्या किया, आईफोन को पता चल गया, आईफोन ने बोला उसके साथ डील किया, उसको बोला ठीक है एक साल ना मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, अगले साल से तुम लॉन्च कर देना, अभी मेरे को दे दो, मैं करोड़ों रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। सैमसंग ने सोचा चलो सही है, कोई टेंशन नहीं है, इतना ही कमाई बाद में भी हो जाएगी मेरी। सैमसंग ने उसको दे दिया और उल्टा बाद में चोरी का केस लगा दिया। तो इस तरह से होता है, ठीक है, मतलब अब लोगों को पता चल गया, फिर इससे क्या हुआ, सैमसंग का मतलब हल्ला हो गया कि भाई सैमसंग का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब सैमसंग ने चालाकी करी, फिर आईफोन ने उसके ऊपर केस किया कि हमारा नाम खराब किया तुम लोगों ने, हमारे बीच में डील हुई थी, इस बात को जनरल पब्लिक में कैसे किया? सैमसंग ने बोला भाई कोई एम्प्लॉई ने हमारा लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन, गलत हुआ ये। तो इस तरह से चलता रहता है, कंपनी केस चलती है, इनके ऊपर कंफ्लिक्ट चलते हैं। आ गया समझ में सबको? तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने दो चीजें पढ़ ली। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हमने पढ़ा तीन तरह की इंडस्ट्री, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी में हमने पढ़ा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में हमने पढ़ा कि जो भी नेचर से सीधा सीधा चीजें प्राप्त हो जाती हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जैसे कि कोयला निकाल लेना, क्रूड ऑयल निकाल लेना, मछली निकाल लेना। जेनेटिक, जेनेटिक इंडस्ट्री में हमने पढ़ा कि जो भी हमें नेचर से चीजें प्राप्त होती हैं उसमें कुछ हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? उनको ऐसा एनवायरमेंट देते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, उनकी तादाद बढ़ जाए, बर्थ ज्यादा होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। ये क्लियर है सबको? यस सर। आपने पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हुए चीजों का इस्तेमाल करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और उससे नई नई चीजें बनाती है।
अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी चार तरह की इंडस्ट्री आती है, देखो यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में चार तरह की इंडस्ट्री आती है। कहाँ गया चार्ट हमारा, वो एक बार चार्ट दिखा रहा हूँ, पीछे है ये रहा, देखो मैन्युफैक्चरिंग में, अभी देखो स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। हाँ, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी से हम आ गए मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग में भी चार तरह की है, इसको नोटबुक में बना लेना बेटा अच्छे से। मैन्युफैक्चरिंग में चार तरह की है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल में क्या होता है, कौन बताएगा, रेज करो हैंड्स। हमेशा हाँ, कौन बताएगा, एक बार नया बच्चा देखता हूँ कोई, सब पुराने बच्चे ही हैं। कनिष्का यादव, वेरी गुड, ये नई स्टूडेंट है जो पहली बार बेचारी हाथ खड़ा कर रही है, एक दो बार और किया हुआ है। हाँ कनिष्का बताओ। सर इसमें अलग अलग मतलब एलिमेंट्स को सेपरेट करके और एक उनसे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जैसे क्रूड ऑयल से। ट्रीटमेंट ना बोल के हम ये बोलेंगे कि सर जो नेचर से प्राप्त की हुई चीज है जैसे क्रूड ऑयल है, उसको उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे यूजफुल चीज बना देते हैं। सर सिंथेटिक में जैसे नेचर से प्रोवाइड और मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिला के हम प्रोडक्ट बना देते हैं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके और हम एक नया आइटम बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है बेटा। सर इसमें मतलब कि हम मतलब बहुत सारे सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, उनके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सर कोई भी मटेरियल अगर हमें मिल जाए, जैसे कि मान लो लकड़ी मिल जाए, तो लकड़ी को प्रोसेसिंग कर करके कागज बना दे, यही कह रही हो। यस सर। ठीक है, और मान लो गन्ना मिल जाए तो गन्ने को प्रोसेसिंग कर करके चीनी बना दे, राइट। यस सर। अब असेंबलिंग में क्या होते हैं। सर असेंबलिंग में जैसे कि अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा मतलब करके एक नया प्रोडक्ट बना देना। ठीक, फिर हमने एक और पढ़ा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ये भी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखो तो आपको मैं चार्ट एक बार फिर चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा चार्ट ध्यान से, ये आ गई देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग में चार इंडस्ट्री है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और फिर हमने असेंबलिंग, और एक और आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना। बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इसी में आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही आती है। इसमें काम क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन करने से संबंधित, जैसे डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, ये सब इसका काम होता है। दे यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके और हम ब्रिजेस बना देते हैं, देखते ही हो गए आप, ये सब बना के हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बहुत आसान है। अगर आप देखो, अब जैसे सपोज करो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, जैसे हमें कोई नई चीज मिल गई जमीन से, तो उसका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए भी कर देते हैं, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग जो है सीमेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। सीमेंट कौन से इंडस्ट्री में बनता है, जल्दी बताओ, देखता हूँ कौन पहले बताता है। तो सिंथेटिक में बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेरिटोरियल टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला देखो एक बार चार्ट में समझ लेते हैं, ये रहा। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं आखिरी टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो इंडस्ट्री जो हेल्प करती है दूसरे इंडस्ट्री को, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां। तो हम अगले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर।